और ये मैं दिल्ली पूछा जाए के भाई तुसे मुझे डिप्टी सीएम बनाना, सीएम कौन बनाना, क्या मंडी से बनना? ਵੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਕ ਬਣਨਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਨਾਣਾ ਚਾਹੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿੱਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੋ ਜਿਸ ਤਰਜਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਹਮ ਤੱਕ ਰਾਂਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੂਲ ਤੇ 85 ਕਰੋੜ ਸਕੀਮ ਲੈਂਦੀ 3 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਦੇਣੇ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ तीनों पूछो भी तुसे जिस गांव अंदर पे असर गया पंचायती ने पैसा दिता तो गांव जाई के दिता पैसा बोलना मंडी तो नहीं बन डे मैं बोलना तुसे कॉलेज बिल्डिंग लगी बन दी चिकुन में बनाई फाउंडेशन में रिक्वायर था बोलेंगे तीन लड़ाई भाजपा का नहीं नहीं भाजपा रे विचारधारा का नहीं नहीं तीन जो लड़ाई से व्यक्ति विशेष अग्नि विशेष अग्नि होंगी तो 2017 अंदर मुख्यमंत्री था धूमल जी थे ते पे तेनों विरोध कोई नहीं हुआ ये राजा फैक्टर काम कर सकता सुखराम फैक्टर नहीं काम कर सकता स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स 1928 से आपकी सेवा में एंड स्वर्णलोक आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी नमस्कार दर्शकों तो सभी स्वागत है इस विशेष इंटरव्यू अंदर और मैं थोड़ा दोस्तों इस टाइम में कहना चाहूंगी वर्तमान में विधायक मंडी सदर अनिल शर्मा जी है और जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है और प्रचार प्रसार जोर शोर का नहीं चल रहा एक दिन रहा प्रचार प्रसार आ रहा सब तेल तुम्हारा स्वागत आ सहकार कार्यक्रम में धन्यवाद धन्यवाद सर बेस टाइम देखो तुसे प्रचार ही लग रहे करते एडा दसो केड़ा चल रहा तुसा प्रचार और पूरा एरिया कवर हुई गया जितना मंडी सदरा रहा हुआ कितना कर रहा तकरीबन कवर हो चुके रहा क्योंकि सहरा सहरा कर रहा थोड़ा थोड़ा और कल मैं शहर अंदर वोट मांगने इयां शहर अंदर राती कर रहा सा काम ता तकरीबन गांव अंदर मैं करी आया सारे और शहर अंदर भी कुछ नगर निगम आ रहे कुछ हेड़े इलाके थे जे शहर ते कने जोड़ी रहे हुण तीनों करी के आया हुण मैं बाकी सर ये दसो जी हूँ तुसे चाहे कांग्रेस की गल करो चाहे बीजेपी की गल करो तो तुसे मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे तो अगर अगर तुसे उपलब्धियां गिनाना चाहो तो दसना चाहो लोगों जो तो तुसे क्या कह दसना भी जिता पर तुसे जो लोग वोट दो जिस तरजा पर तुसे उपलब्धियां पर उपलब्धि तो बड़ी भारी है जब तक रांदा लग गया था तो सब ने भी आटे नहीं करता चलो सर कुछ एक गिनाई दो कुछ एक तो हूँ देखो ना तो मंडी अंदर बड़ी पानी स्कीम आई और मंडी अंदर पानी बड़ी किल्लत थी और जब मैं पहली बार विधायक बना था तब इस टाइम दरियाओं से पानी चक्या था पर से पानी असो गर्मी बरसाती अंदर मुश्किल हो जाए था सिल्ट आई जाए थी तो फिर मैं हूल से 85 करोड़ स्कीम लियादी अज अस 24 घंटे स्कीम पानी अंदर से पानी स्कीम पुजी गई बाला तक भी आई के और सिवरेज सिवरेज है सिवरेज जो हल्की बनी सिवरेज थी 70 करोड़ है 25 करोड़ का पुल बने विक्टोरिया एयरपोर्ट ए हेलीपैड बनया फिर तुम देखो जी इस बारे शिव धाम वगैरह बनता कोई काफ़ी काम शहर अंदर मार्केटा बनी और चौटे देखो तो ब्यूटिफिकेशन हुई स्कूल बाजार ब्यूटिफिकेशन हुई सिक्योरिटी पार्किंग बनी और असर सिक्योरिटी कने सकेती कने बाईपास बन पर लग रही रेहड़ी मार्केट बनती तो इस तरीके शहर अंदर काम लगातार काम चल रहा और अगे भी बड़ी अच्छी प्रपोजल मेरे वाले है बाईपास बनना सारा विक्टोरिया से लेकर बाड़ी तक जिस कारण तुम ये जो ट्रैफिक समस्या खत्म होनी और मैडम ठीक ठाक तो इस वास्ते तुसे देख सकते हैं भाई शहर अंदर हाले भी बड़ा काम करने जो है और इस वास्ते जो है तो लोग ये कहना कि भाई अगर तुसे 3 साल वेट किया तभी आज थोड़ा वेट देने घटे तुसे वोट दिते तो क्या बोलना चाहे था इस पर वेट कुछ नहीं किया गांव जाता रहा था शहर भी मिलता रहा था और गांव अंदर तुसे जाओ हूँ तो तेनों पता भी सारे विधायक नहीं दीते पैसा हुआ सरकार से पैसा हुआ था सब देता देती लोगों कोई इंतजार नहीं करने जरूरत नहीं है ये कुछ लोगों का प्रचार है तीनों पूछो भी तुसे जिस गांव अंदर पे अस गया पंचायती ने पैसा दिता तो गांव जाई के दिता पैसा बोलना मंडी तो नहीं बन डेया मैं बोलना टिकलो तुसे माथा टिकलो पहले अगर शहरी विकास की गल की जाए तो तेतल बारे क्या बोलना सर तुसा शहर है तुसे कॉलेज बिल्डिंग लगी बन दी चिकुन में बनाई फाउंडेशन में रिक्वायर था फिर जे तुसरे पार्किंग लगी बन दी शहर अंदर तुसरे होर काम जो हेलीपैड बनया शहर अंदर पानी स्कीम ये कितने बनी गांव तो नहीं बनी शहर बनी ना 85 करोड़ की ये जो शहर है गल गांव करे वो शहर कितने किया ये 70 करोड़ का काम चले सीवरेज अंदर ये शहर अंदर चल रहा
ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਾਇ ਰਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ 70 ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੋ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਇਸ ਪਰ अगला प्रश्न प्रवीण शर्मा जी पर आ अब तिना जब भी गल सुनी जाइए जब भी सुहा लोगों का गल करें सो बोलें कि तिना लड़ाई भाजपा कने सौगी नहीं भाजपा रे विचारधारा कने सौगी नहीं तिना जो लड़ाई से व्यक्ति विशेष कने तो तुसो क्या लगा कि ये जी तिना गली है जो सुहा अब बीजेपी ते निकली कने आजाद प्रत्याशी तौर पर चुनाव लड़ी करें तो ये चीज़ तुसो कितने कितने नुकसान कर सकें तुसो डेंट पाई सकें देखो व्यक्ति विशेष कने क्या नाराजगी तिना जो मुझे नहीं समझ आई व्यक्ति विशेष तो सही है 2017 पर लड़े इलेक्शन से व्यक्ति शेष था से पर पंडित जी बेटा अगर आऊँ लड़ाई करा पहले भी था मैं लड़ाई करा था व्यक्ति विशेष अगर होंगी तो 2017 तर मुख्यमंत्री था धूमल जी थे ते भी तेनों विरोध कोई नहीं हुआ क्योंकि इे जे मुख्यमंत्री मंडी रे हुए तो तेनों विरोध होया करा तो इस मतलब जे गलती कौल सिंह की तरी से गलती जुड़ाना चाहे से अगला सवाल मेरे ते सा देखो पिछले कल जयराम जी आए थे मुख्यमंत्री आए थे तो तिने भी स्वर्गीय पंडित सुखराम जी याद किए थे और जब जो बैनर देखे पोस्टर भी देखे तो तिता पर भी श्रद्धांजलि जो अब लिखा गया पंडित सुखराम जी का तो मतलब अब की बारी क्या लगा सर अब की चुनाव वो सुखराम फैक्टर काम करना करेगा भी जे राजा फैक्टर काम कर सकता सुखराम फैक्टर नहीं काम कर सकता है जे राज्य राज्य रामपुरा 100-90 वोट राणी पै सका है तो क्या मंडी लोगों पंडित जी इतना काम किया मंडी वास्ते एक पहचान मंडी रही लोगों की पहचान ही पंडित सुखराम करने हैं लोग बोला है कून जी मंडी लोग दिल्ली वाले तो पता नहीं भी सब्जी मंडी है अनाज मंडी तो इतने बोला सुखराम वाली मंडी तो इस मतलब मंडी की पहचान पंडित सुखराम ना होते हैं जहाज असर बीच है ही नहीं से इस वक्त जाऊँ तो नाओं पर राजा परिवार मांग सका है तो असो को इनकार तो नहीं इस पर श्रद्धांजलि देना ये लोगों का काम है और मैं श्रद्धांजलि नाओं पर वोट मांग के करा ये मेरा है प्रश्न सर अब अगले देखो पिछले काल तुसे संबोधन किया था तुसे संबोधन अंदर बोलिया था तेसा कहानी रे बारे जानना चाहिया से कि कांग्रेस से तुसे डिप्यूटी सीएम बनाने रे कोई गल की थी कोई सपना दसिया था से कहानी कही सर सपना नहीं हूँ देखता ये हकीकत है गल बात हुई और ये मैं दिल्ली पूछा जाए कि भाई तुसे मुझे डिप्यूटी सीएम बनाना सीएम कौन बनाना क्या मंडी से बनना भाई मंडी तो नहीं बनी सक बनना बोले मेरे मंडी नहीं बनना था फिर कि हूँ तुम डिप्टी सीएम बनाए तो सीएम गुआई देना अपना मैं मंडी का सीएम तो यही गलती नहीं मैं करनी मैंने कहा ये गल हुई सारी और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है तुसा ते अब ये कि यानी कि देखो पिछले कल मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन अंदर बोलिया कि मंडी में अगर सीटा आनी बीजेपी की तो पूरी मतलब मंडी अगर सीटा आनी तो पूरी 10 की 10 सीटा आनी सर तुसो क्या लगा मतलब कि बीजेपी की कितनी सीटा आनी सर एक मिनट सर मुख्यमंत्री जो मीरपुर था ते भी 10 सीटा आएगी ते भी मंडी का मुख्यमंत्री 10 आनी चाहिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आ सकने गल करने कठे तो सारे प्रचार प्रसार हो और आ सारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद जी फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।